तो हम कितनी बार कभी कभी सुनेंगे हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है, हमें इतनी परेशानियां क्यों है, क्यों हो रहा है ऐसे हमारे साथ? या क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में दैट आई क्रिएटेड लाइफ एंड डेथ सो दैट आई कैन टेस्ट यू विच वन ऑफ यू आर बेस्ट इन डीड. الذين خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. मैं देखूं कि तुम में से सबसे अच्छे अमल किसके हैं. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बट यू डू नॉट बिलीव, यू डू नॉट हैव ईमान इन योर हार्ट, यू डू नॉट बिलीव इन अल्लाह ताला. ऑल ऑफ योर डीड्स आर इन लॉस, एवरीथिंग इज इन लॉस. वतवासु बिल हक, दैट दे कॉल्ड वन अनदर टू ट्रूथ, दे कॉल्ड वन अनदर टू हक. क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके अंदर ईमान है और आप दूसरे लोगों को उसके बारे में ना बताएं? हाउ कैन यू कैन नहीं हो सकता. एंड दिस इज वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस दैट वी मिस आउट, टू कॉल वन अनदर टू दीन. क्योंकि हम कुरान में देखते हैं दैट टू थिंग्स दैट आर ऑर्डर्ड, एंजॉइन राइट एंड फॉरबिड ईविल, दो चीजें. हम कभी कभी सिर्फ एक दूसरे को फॉरबिड ईविल कर देते हैं एंड वी डोंट call one another to righteousness, or we only call one another to righteousness. और हमारे आस पास इतनी चीजें होती हम नहीं बोलते, हम नहीं उसके बारे में बात करते. All of us are guilty of it. And it goes back to the same thing that Prophet Muhammad SAW ने अपनी जिंदगी इस चीज में लगाई थी. He spent his entire life doing just one thing for Allah Ta'ala, and he called one another to. दीन की बात फैलाना सदका जारिया है. सवाब की नियत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए. जज़ाकल्लाह.